यह सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के व्यक्तियों को हैंडपंपों, पाइपलाइनों इत्यादि के माध्यम से सुरक्षित पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, किंतु ये वसिंदे समस्त सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। आइए हम मिलते हैं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम गोरे के टोला मंजराही खाड़ निवासी प्रेमा एवं चरकू मुंडा से। मैं महिमा भेंगरा और ये है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। यहाँ तो बहुत से समस्या हैं क्योंकि हम लोग को पानी पीने के लिए चुआ नहीं है, चपाकल नहीं है। हम लोग नदी का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी होता है उसी को पीते हैं। जब बारिश आ जाती है तो अभी छन का ऊपर से पानी गिरता है उसको छान कर हम लोग पीते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं और ऐसे गंदा पानी पीते हैं तो हमेशा हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। ये समस्या कब से है आप लोग के पास में? सबसे अधिक से अधिकतर तो जब से यहाँ 15-20 साल हो चुका है, लेकिन सबसे अधिकतर इन्हीं साल से अधिक हुआ है। सरकार के तरफ से जो योजना सब है पेयजल के लिए, वो सब आप लोग आवेदन सब दिए कि नहीं दिए? दिए हैं, बहुत बार दिए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग को वही सोचना है, पानी पीने के लिए हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कोई चापाकल या कुआं का कुछ सरकार से मांग है। आए थे सब बोलते हैं कि हम लोग पास करा देंगे, देंगे चापाकल कुआं, बोल के जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पर। आप सभी वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि मंजराही खाड़ के आदिवासी समुदाय को सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल अविलंब मुहैया कराया जाए। इसके लिए आप हमारे प्रखंड चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज कुमार तिवारी को, जिसका संपर्क नंबर 9431554279 पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं महिमा, पलामू झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।